हेलो दोस्तों, आप सभी को एक बार फिर आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में सीजीएल 2023 के टीयर वन के 19 जुलाई 2023 थर्ड शिफ्ट के मैथ के पेपर को आज हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले 19 जुलाई से पहले जितने भी शिफ्ट हुए हैं सारे शिफ्ट के मैथ के पेपर का सॉल्यूशन इस चैनल पे हमने अपलोड कर दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है अवश्य ही जा करके देख ले, तो आप अवश्य ही सारे शिफ्ट के सवालों को जरूर सॉल्व करें जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो सके। तो हम इस सेशन में 25 के 25 सवाल हम मैथ के सॉल्व करने वाले हैं और जानेंगे कैसे कम समय में मैथ के सवालों को सॉल्व किया जाता है एग्जाम में। अगर हम जैसे बता रहे हैं सॉल्व करना, वैसे अगर सॉल्व करते हैं तो इस शिफ्ट के पेपर को आप 12 से 13 मिनट में आसानी से आप सॉल्व कर सकते थे एग्जाम में। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग सारे क्वेश्चन की तरफ और सारे क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। आप अंत तक वीडियो को जरूर बने रहिएगा। अगर आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए पहला ही क्वेश्चन आ गया है, 25 35 के बीच तृतीय अनुपात निकालना है। देखिए तृतीय अनुपात निकालने, देखिए अगर ए बी दो नंबर दिया है, इसका तृतीय अनुपात मान लेते हैं अगर सी है, तो सी अगर तृतीय अनुपात निकालना है तो क्या हो जाता है, सेकेंड नंबर का स्क्वायर बटे ए। बस इसी का फॉर्मूला होता है, इसी को यूज कीजिए, मतलब 35 × 35 / 25। ठीक है, देखिए 5 से काटिए 7, यहाँ बचेगा 5, फिर 5 से काटिए इसको 7, मतलब 7 × 60 कितना हो जाएगा 49। इसको आप मैक्सिमम कितना 5 सेकंड में सॉल्व कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, ट्रेंगल एबीसी सिमिलर का साइन है सिमिलर टू ट्रेंगल पीक्यूआर दिया है। एबी का लेंथ दिया है, पीक्यू का लेंथ दिया है, पीआर का लेंथ दिया है और आरपी का लेंथ दिया है। तो पूछा गया ट्रेंगल एबीसी का परिमाप क्या होगा। देखिए जब कभी भी दो ट्रेंगल सिमिलर होगा तो उसका जो साइड का रेशियो, जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एक तो थ्योरम ये हो गया। सेकंड थ्योरम क्या होता है, अगर कोई दो ट्रेंगल सिमिलर है तो दोनों का एरिया का स्क्वायर क्या होगा, साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है। नंबर सेकंड थर्ड में क्या होगा, अगर दो ट्रेंगल सिमिलर है तो दोनों ट्रेंगल का जो पेरीमीटर होगा, मतलब परिमाप होगा, परिमाप का जो रेशियो होगा दोनों साइड के कोरिस्पोंडिंग साइड के रेशियो के इक्वल होता है। मतलब अगर हम बोल दें एरिया पेरीमीटर अगर हम मान लेते हैं एबीसी का एक्स है तो एक्स बट्टे पेरीमीटर मतलब परिमाप पीक्यूआर, ट्रेंगल पीक्यूआर का परिमाप कितना होगा, परिमाप अगर किसी भी ट्रेंगल का निकालना होता है सभी साइड का सम ही क्या होता है, सभी साइड का योग ही क्या होता है, उसका परिमाप होता है। तो ट्रेंगल पीक्यूआर का सभी साइड दिया है तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा, 6 + 9 = 15 + 12 कितना हो जाएगा, 27। मतलब एबीसी का परिमाप बटे पीक्यूआर का परिमाप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्रेंगल एबीसी में एबी का साइड, एबी का साइड दिया हुआ एबी का, एबी बटे अगर ए बी बटे क्या जाएगा पी क्यू, पी क्यू कितना दिया हुआ है 6। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल होगा। तो मतलब एक्स का वैल्यू आप यहाँ से निकाल लीजिएगा कितना जाएगा, एक्स इज इक्वल टू आप काट लीजिए पहले, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये 3 से 9 बार में कट जाएगा, मतलब एक्स इज इक्वल टू कितना जाएगा 9 × 18, मतलब 18 क्या हो जाएगा ट्रेंगल ए बी सी का परिमाप होगा, मतलब ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, मतलब सवाल है देखिए 350% ऑफ 350 का 65% -250 का क्वेश्चन मार्क परसेंट +120 का 40% = 158 है, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा। तो देखिए पहले आप देखिए 350 का 65% कैसे निकालेंगे, देखिए पहले 350 का 60% निकालिए, 350 का अगर आप 60% निकालने जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 350 को 60 से मल्टीप्लाई, 35 को 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब 350 को आप एक बार कर लीजिए आप 60% निकाल लीजिए। ठीक, फिर प्लस 5% बच गया है, 5% फिर से निकालना होगा, 350 का 5% मतलब 1/20 डायरेक्ट वो निकाल सकते हैं आप, 17 पॉइंट कितना हो जाएगा 5। देखिए इसको ले जाइए इक्वल के उस साइड, प्लस कर दीजिए, देखिए 120 का 40% कितना होगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा आपका, मतलब 48 हो जाएगा, और -158 इधर आकर के माइनस में हो जाएगा। निकालना क्या है, मान लेते हैं एक्स परसेंट ऑफ 250, इसको परसेंट को हटाएंगे तब कितना जाएगा आपका 100, मतलब ये कैंसिल, मतलब इधर कितना जाएगा 5 और ये कितना जाएगा 2, मतलब 5x/2 इधर हो गया। देखिए इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो 35 को आप 6 से मल्टीप्लाई किए, देखिए 35 को 6 से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखिए इसको एक बार 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना 70 इधर बचेगा, जाएगा 70 × 3 210, 210 ये हो गया आपका। देखिए 158 यहाँ है और प्लस 48 है, ये कितना हो जाएगा -110 + 17.5, देखिए ये कितना हो जाएगा आपका 210 - 100 कितना होगा 100 + 17.5, मतलब कितना हो जाएगा 117.5। देखिए 2 आ जाएगा नीचे ऊपर और 5 आ जाएगा डिवाइड में, आपका x का वैल्यू यही होगा, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए ये कितना हो जाएगा आपका, यानी 235/5
बटे पांच मतलब 40, 7 47, 47 आपका एक्स का वैल्यू आएगा, 47 आपका करेक्ट आंसर होगा। इस तरह के सवाल को आप जितना जल्दी फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं उतना जल्दी ये सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, कहा गया एक गेंद का 9 पाई वर्ग इकाई का पृष्ठ क्षेत्रफल प्राप्त करने के लिए गेंद का व्यास इकाई में कितना होगा। तो देखिए गेंद का पहले तो गेंद है मतलब क्या स्फीयर है, स्फीयर का क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर वैल्यू आपको दिया हुआ है, 9 निकालना है आपका व्यास। तो देखिए आप पाई से पाई हो जाएगा कैंसिल, रेडियस स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9/4 मतलब रेडियस कितना हो जाएगा 3/2, ठीक है 3/2 क्या आ जाएगा आपका रेडियस। आपको निकालना क्या है व्यास, तो व्यास कितना होता है रेडियस का 2 गुना, रेडियस का 2 गुना करेंगे कितना हो जाएगा 3/2 का 2 से गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 3, मतलब रेडियस आपका हो गया 3/2, 1/5 ये रेडियस है, लेकिन निकालना है व्यास, तो व्यास आपका 3 आ रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होना चाहिए। ये जो क्या है इनकरेक्ट है, ये गलत आंसर एग्जाम में दिया गया था, 1.5 करेक्ट आंसर नहीं है। आंसर करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 3, मतलब 3 होगा इसका डायमीटर। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, दो व्यक्ति एक वृत्ताकार ट्रैक पर विपरीत दिशा में 20 मीटर प्रति सेकंड और 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ना शुरू करता है। यदि वृत्ताकार पथ की परिधि 100 मीटर है तो ज्ञात कीजिए कि वे एक दूसरे को कितने अलग अलग बिंदुओं पर पार करेंगे। देखिए बहुत ही शानदार लॉजिकल क्वेश्चन है, इसको देखिए समझने की कोशिश कीजिए, हम दिखा रहे हैं आपको। देखिए एक ट्रायंगल है, ठीक है, दो आदमी है, एक इधर दौड़ रहा है तो एक क्या होगा इधर दौड़ रहा है, मान लीजिए आप लोग यहां से दौड़ना स्टार्ट करता है, ठीक है, पूरे जो सर्कल है सर्कुलर ट्रैक का लेंथ कितना है तो आपको 100 मीटर का यह ट्रैक है। तो देखिए पहले आदमी को एक चक्कर लगाने में, मान लेते हैं पहला आदमी ए है, एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा, 100 मीटर का, 100 मीटर का ट्रैक है, 20 मीटर प्रति सेकंड के आदमी से दौड़ रहा है, तो पहला आदमी इस ट्रैक को पूरा करने में कितना सेकंड लगेगा 5 सेकंड, दूसरा आदमी कितना समय लगेगा तो 100/30 मतलब 10/3 सेकंड में क्या होगा एक ये जो है पूरे ट्रैक को क्या होगा ये लोग चक्कर लगा लेगा सेकंड पर्सन। अब देखना है अगर मान लीजिए यहां से दोनों विपरीत दिशाओं में दौड़ना प्रारंभ करता है तो हम ये पहले निकाल लेते हैं कि ये लोग यहाँ पर फिर कब आकर के मिलेगा, फिर यहाँ पर मतलब स्टार्टिंग बिंदु पर कब मिलेगा, वही हम मान लेंगे क्या है इसका एक राउंड मतलब पूरा दौड़ इसका कंप्लीट हो जाएगा। तो मतलब ए और बी, ए जो है 5 सेकंड में और बी क्या है 10/3 सेकंड में पूरा ट्रैक को चक्कर लगा लेता है, तो दोनों एक ही बिंदु पर मतलब जहां से स्टार्ट किया वहां पर कब मिलेगा, इस दोनों टाइमिंग है उस दो टाइमिंग का जो एलसीएम होगा वही क्या होगा मतलब 5 और 10/3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 10 सेकंड, मतलब 10 सेकंड के बाद दोनों क्या हो जाएगा स्टार्टिंग पॉइंट पे पुनः आकर के मिल लेगा। इस तरह से चक्र चलता रहेगा। अब देखिए पूछा गया क्या गया हम लोगों से, वे कितनी बार मतलब जो पहली बार मतलब लास्ट बार जो मिलेगा ये मतलब इसको हम क्या बोल सकते हैं लास्ट बार जो मिलेगा उससे पहले ये कहां कहां किस किस पॉइंट पे कितनी बार मिल चुका होगा ये हमें निकालना है। तो ये कैसे निकालेंगे, तो देखिए अब ये जो है दोनों एक चक्कर लगाने में जो लगा रहा है तो पहली बार कब मिलेगा ये तो हम निकाल सकते हैं, पहली बार कब मिलेगा जब ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रहा है। तो 100 मीटर का ट्रैक है एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रहा है तो इक्विवेलेंट स्पीड कितना हो जाएगा 20 प्लस दोनों को जोड़ देंगे कितना होगा 50 मीटर प्रति सेकंड, मतलब 2 सेकंड के बाद एक दूसरे को मिलेगा, पहली बार 2 सेकंड के बाद मिलेगा, दूसरी बार फिर 4 सेकंड के बाद मिलेगा, तीसरी बार 6 सेकंड के बाद, इस तरह से क्या हो जाएगा टोटल कितनी बार मिला 10 सेकंड में कितनी बार मिल पाएगा 10/2 कर लीजिए मतलब 5 बार क्या हो जाएगा दोनों एक दूसरे को पूरा करने में मिल लेगा, मतलब ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। बहुत ही शानदार सवाल है, अगर इस समझ में आया है तो वीडियो को अवश्य ही लाइक कर दे। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे, अर्चना ने 24 जनवरी 2012 को एक बैंक से 8.3/4% वार्षिक साधारण ब्याज पर 78,000 का ऋण लिया, उसे 18 जून 2012 को वापस चुका दिया, अर्चना द्वारा भुगतान की गई कुल राशि ज्ञात करना है। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि जो इस जो पीरियड में कितना इंटरेस्ट देना पड़ा होगा, सिंपल इंटरेस्ट है तो देखिए 78,000 रुपया उधार लिया गया है 78,000। सबसे पहले हमारे पास क्या है कि समय कितना हुआ, देखिए जनवरी से लेकर के मान लीजिए 24 जनवरी को लिया और 18 जून को दिया तो कितना समय हो जाएगा, तो फरवरी मार्च अप्रैल मई जून मतलब 5 महीना में 6 दिन कम, हम मान लेते हैं 5 महीना अप्रोक्स में निकाले हैं, मतलब हम 5 महीना एक्स्ट्रा मतलब लेकर चलते हैं, तो 5 महीना इंटू 12 कर दीजिए इंटू रेट कितना है, देखिए 35/ कितना हो जाएगा 4, इसको फिर हम लोग 100 से डिवाइड करिए हो जाएगा कितना इंटरेस्ट, देखिए 5/ जो हम यहाँ पर लिए 5 महीना, 5 महीना एग्जैक्टली होने रहा है, 6 दिन कमी है, तो जो आपका इंटरेस्ट होगा उसमें से कुछ हम लोग अप्रोक्स में कम करके हम आंसर टिक कर देंगे। अगर एग्जैक्टली नहीं करना चाहते हैं सभी डेज वाइज आप निकालना पड़ेगा कितना कितना डेज हुआ था, आपको एग्जाम में बिल्कुल भी डेज नहीं निकालना है, अप्रोक्स में निकाल करके आप आंसर टिक करके अपना समय बचा सकते हैं। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो हो जाएगा कैंसिल, अब आप इसको काट सकते हैं
तीन से काटिए, तीन चौके यह जगह पर 26, 260 ठीक, यह जाएगा 65, 65 चौके 60 ठीक है, 65 पर में ये जाएगा आपका कट जाएगा। मतलब देखिए 65 को फिर 35 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको 4 से डिवाइड किए तो आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। देखिए 35 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना हो जाएगा, 175 का 5, 7 बच गया हाथ में, और ये 35, एक सेकंड रुकिएगा, 5 भी बचा हुआ है हमारा, तो मतलब इसको 65 को 5 से प्लस 35 को फिर से 35 से मल्टीप्लाई कीजिए। देखो 65 को 5 से कितना हो जाएगा आपका 325, 325 हो जाएगा, 325 को आप 35 से मल्टीप्लाई कीजिए और इसको 4 से डिवाइड कीजिए, यही आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। देखिए 35 को 5 से कीजिए कितना हो जाएगा, 175, 5 17 बच गया, 35 दूनी 70, 17 कितना होगा 87, 8 बच गया, 35 दिया 105 और 8, 105 8 हो जाएगा 100 आपका 13/4, ये हो जाएगा इंटरेस्ट। 4 से इसको डिवाइड कीजिए, 4 दूनी हो जाएगा 8, 4 दूनी होगा 8, शेषफल हो गया 3, 33, 8 चौके 32, मान लीजिए 2800 के आसपास क्या हो जाएगा इसका इंटरेस्ट, इतना के आसपास आ रहा है, 78,000 है, 78,000 में 2000 28 से जोड़ दे कितना होगा 80,800, 80,800 से कम वाला जो आंसर होगा वो होगा 80,800 से कम वाला आंसर, मतलब 80,723 के आसपास एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4, मतलब बिना पूरा कैलकुलेट किए हुए भी इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, आंसर मार्क कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर 4 इस तरह से करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, 10 महिलाएं किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकती है, 10 महिलाएं मतलब मान लीजिए 10 ओमेन किसी काम को 6 दिन में कर सकती है, 6 पुरुष मतलब 6 मैन किसी काम को 5 दिन में पूरा कर सकती है, यदि सभी पुरुष और सभी महिला एक साथ काम मिलकर करे तो कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। देखिए यहाँ 6 से 6 कैंसिल, 5 दुनी 10, मतलब 1 मैन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 ओमेन, ये होगा, ये आपका रिलेशन आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि एक आदमी जितना अकेले काम करेगा उतना दो औरत मिलकर के काम को करेगी ठीक है। अब देखिए 10 महिला और 6 पुरुष मिल जाता है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10 महिला प्लस 6 पुरुष को लिख सकते हैं हम लोग 12 महिलाएं, क्योंकि एक पुरुष के स्थान पर क्या होगा दो महिलाएं होगी, तो 6 पुरुष को स्थान लिखते हैं 12 महिलाएं, मतलब 22 महिलाएं मिलकर के काम को कितने दिन में, 22 ओमेंस मिलकर के काम को कितने दिन में करेंगे। आपको पता है 6 महिलाएं 10 महिलाएं 6 दिन में करती है, तो एक महिला कितने दिन में पूरा काम करेगी 60 दिन में, तो 22 महिलाएं कितने दिन में करेगी, मतलब 30/11, 30/11 आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 22 प्लस 8 30/11, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8, माँ ने अपने पुत्री से कहा 7 साल पहले मेरी आयु तुम्हारी आयु की 7 गुनी थी, मतलब डॉक्टर की आयु 7 साल पहले की बात कर रहे हैं, 7 साल पहले की मान लेते हैं एक्स है, तो मदर की आयु कितनी हो जाएगी 7x, ये 7 साल पहले की आयु है, 7 साल ये पहले की आयु है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। अब कहा गया है और अब से 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष के बाद मतलब अब वर्तमान से, मतलब देखिए तो अभी कितना हो जाएगा 7 साल, मतलब अब से 3 वर्ष के बाद मतलब क्या हो जाएगा 10 साल के बाद हुआ, इसका मतलब अगर 7 साल इतना आयु है तो 3 वर्ष बाद कितना होगा 10x+10, या फिर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं वर्तमान आयु कितना हो जाएगा x+7 और मदर कितनी जाएगी 7x+7, ये वर्तमान आयु है अब से 3 वर्ष बाद, मतलब 7x+7+3 करेंगे 10 हो जाएगा, फिर 7x+7 में 3 और करेंगे कितना हो जाएगा 10। क्या है कि मेरी आयु तुम्हारी आयु की 3 गुनी है, मतलब मदर की आयु बच्ची की आयु के 3 गुनी है, तो यहाँ से पहले हम x को वैल्यू निकाल लेंगे, तो कितना हो जाएगा 3x-7x कितना हो जाएगा 4x, 30-10 मतलब 20, 4x का वैल्यू 20 आ गया, x का वैल्यू 5 आ गया। पूछा कर गया हम लोगों से माँ और पुत्री की आयु वर्तमान आयु क्रमशः कितना होगा, x का वैल्यू कितना हो गया 5, मतलब 12 साल किसकी आयु होगी पुत्री की, वर्तमान आयु कितनी होगी 12 साल पुत्री की, और मदर की आयु कितनी होगी 35-7 42, 42 साल क्या होगा मदर का वर्तमान आयु होगी। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, अलजेब्रा का सवाल है, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो वीडियो को अवश्य ही लाइक कर दे और प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करें। देखिए x-7x=1 + 1=0 दिया है, अगर देखिए इसमें 0, x का वैल्यू 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है, तो x²-1/x² का मान निकालना है। देखिए इस तरह का जब कभी भी सवाल आ जाए, कंडीशन दे दे, तो आप लोगों को अच्छा से दिमाग शांत करके आंसर मार करना है, नहीं तो जल्दीबाजी में इस तरह के सवाल में बच्चे गलतियां कर देते हैं। देखिए तो पहले इसको सिंप्लीफाई कीजिए, एक्स प्लस, देखिए एक्स से डिवाइड कीजिए सबको, तो कितना हो जाएगा x+1/x, 7x को x से डिवाइड करेंगे कितना होगा 7, 7 चल जाएगा इधर, तो आपको हो जाएगा x+1/x वैल्यू कितना जाएगा 7। हम यहाँ से क्या निकालना है, देखिए x²-1/x² कैसे आएगा, x+1 निकाल लें और x-1/x निकाल के हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या जाएगा x²-1/x² आ जाएगा। हमें निकालना है x-1/x का वैल्यू, तो ये कितना हो जाएगा √7² मतलब 49, 7 का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 49, और कितना हमें जोड़ना, माइनस कितना करना पड़ेगा आपको
चार, तो कितना होगा रूट अंडर 45, ये किसका वैल्यू आ गया x माइनस 1 बटे x, इसको देखिए 9 बाहर ले लेंगे कितना होगा 3 रूट अंडर 5, 3 रूट अंडर 5 किसका वैल्यू आ गया x माइनस 1 बटे x का, लेकिन रूट से निकालेंगे तो प्लस माइनस ध्यान में रखना है, और इस कंडीशन को आप अब देखिए प्लस होगा या माइनस, देखिए x का वैल्यू 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है, मतलब यहाँ पर 1 बटे x का वैल्यू होगा वह x से बड़ा होगा, क्लियर हो गया ये चीज, 1 बटे x का वैल्यू x से ग्रेटर देन होगा, जैसे एक एग्जाम्पल लीजिए कि एक्स का वैल्यू 1 से छोटा है 0 से बड़ा, मतलब मान लीजिए 0.5 है एक्स का वैल्यू, ठीक है, तो 0.5 को हम अगर रिवर्स करेंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, मतलब अगर एक्स का वैल्यू 1 बटे 2 है, एक्स का वैल्यू 1 बटे 2 है, तो एक्स का वैल्यू कितना, एक्स 1 बटे x वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, मतलब 1 बटे x का वैल्यू क्या होगा एक्स से ग्रेटर देन होगा, देखिए तो अगर ये मतलब छोटा नंबर से बड़ा नंबर माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा माइनस में आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -3√5 होगा, एक्स माइनस 1 बटे x का वैल्यू कितना होगा -3√5 होगा, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे आप लोग, और ये देखिए तो ये आपका आ गया -3√5 इंटू कर लीजिए 7 से, ठीक है, 7 से कितना होगा 7 दिया 21√5, 21√5 आपका ऑप्शन नंबर 4 में दिया है, अगर आप सावधानी नहीं बरते देखिए ऑप्शन नंबर 3 जल्दी दिखता है आपको, और ऑप्शन नंबर 3 मार करके अपना आंसर गलत आप कर सकते थे, इस सब चीज को आपको एग्जाम में आसानी से अच्छा से ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, आर एस को कुछ धनराशि उधार देता है, आर जो है एस को कुछ धनराशि उधार देता है जिस पर एस जो है आर को 17,000 रुपया, एस जो है जिसके एवज में एस जो है 17,000 रुपया आर को लौटाता है, ठीक है, एस जो है टी को उतनी ही राशि, मतलब जितने आर ने एस को दिया उतनी ही राशि टी भी, एस भी क्या है टी को दे देता है, लेकिन टी जो है एस को 8.5%, मतलब 8.5% राशि ज्यादा भुगतान करता है ब्याज के रूप में, एस द्वारा उधार ली जाने वाली वह न्यूनतम राशि क्या होगी जिससे उस लेन देन पे कोई हानि ना हो, देखिए यहाँ पर जितना रुपया एस जो है आर से लिया, ठीक है, उतना ही रुपया इसको दे दिया, लेकिन एस ने जो है इसका लॉस 17,000 का लग रहा है, तो ये रिकवर किससे करेगा, ये जो 8% के इक्वल होना चाहिए, तभी तो जाके क्या होगा न तो एस को प्रॉफिट होगा न ही लॉस होगा, मतलब हम ये बोल दें 8% इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 17,000, ये होगा 8% इज इक्वल टू 17,000, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो कितना होगा 17%, यानी 17% का वैल्यू आपका ये हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा आपका 1000, 100% के वैल्यू कितना होगा 1000, ये और एक 2, मतलब यानी कितना हो जाएगा आपका 2 लाख रुपया हो जाएगा, मतलब पूरे 100% का वैल्यू 2 लाख रुपया हो जाएगा, बहुत ही शानदार सवाल था, और इसको 2 से 3 सेकंड में आप चाहें तो सॉल्व कर, डायरेक्ट आप 8.5% इज इक्वल 17,000 लिखते हैं और आप डायरेक्टली यूज करके सॉल्व कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 11, किसी न्यून कोण थीटा के लिए साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 4 थीटा इज इक्वल टू 1 होगा, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू आप क्या ले सकते हैं, इसी के फर्स्ट इक्वेशन से साइन चल जाएगा साइन स्क्वायर था, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, मतलब 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो पता है आप लोगों को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू से पुट कर लीजिए, जहां पर कॉस स्क्वायर को क्या लिखेंगे हम लोग साइन थीटा प्लस, देखिए कॉस का पावर 4 थीटा, मतलब कॉस का स्क्वायर थीटा ले सकते हैं, मतलब ये जाएगा कितना आपका साइन स्क्वायर थीटा, यही इसका वैल्यू आपका आ गया, इसका वैल्यू आपको दिया है 1, मतलब ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे, दो संख्याओं का योग, मतलब मान लेते हैं हम एक संख्या है हमारा एक्स और वाई, दोनों संख्याओं का योग कितना है 98 है, दोनों का अंतर अंतर कितना है 28, तो दो संख्या में से एक संख्या को ज्ञात करें, देखिए दोनों को जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा वाई से वाई कैंसिल होगा, टू एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा दोनों जोड़े कितना 126, तो एक्स का वैल्यू कितना हो 126/2, मतलब 63, एक संख्या आपका आ गया 63, 63 ऑप्शन में है, दूसरी संख्या कौन सी होगी तो 63 एक है, दोनों का सम 98 है, एक कितना होगा दूसरी संख्या कितना होगा 35, मतलब 35 ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में सांख्यिकी का सवाल है, चार राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में मोबाइल सिम कार्ड की संख्या बार आरेख में दी गई है, आरेख का अध्ययन करके प्रश्न का उत्तर आपको देना है, देखिए ये आरेख है बिहार यूपी दिल्ली और पंजाब में कौन कौन से सिम जियो बीएसएनएल और एयरटेल का डाटा दिया है, पूछा गया है दिल्ली में बीएसएनएल सिम कार्ड और एयरटेल सिम कार्ड की बिक्री का अनुपात, देखिए दिल्ली ये हुआ, पूछा गया बीएसएनएल सिम कार्ड, देखिए बीएसएनएल कौन है ये वाला पार्ट है, तो बीएसएनएल कितना सिम यूज होता है तो 10 10, इसका अनुपात क्या है एयरटेल के सिम कार्ड के अनुपात, देखिए एयरटेल का सिम कार्ड कितना है तो 20, इसके अनुपात निकालना है 10/20, मतलब 1:2 आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए, पिता माता पुत्री के वेतन का अनुपात 2:3:5 है, यदि इसमें 15%, 10%, 20% की वृद्धि हो जाती है तो इनके वेतन का अनुपात में, मतलब वेतन का अनुपात क्या होगा, देखिए 2 रुपया मान लेते हैं 2 यूनिट कमाता है, अगर 15% की वृद्धि मतलब कितना हो जाएगा 15% की आपकी वृद्धि, तो आपको देखिए 15% को क्या लिखेंगे फ्रैक्शन में 3/20, मतलब 23/20।
अगर 3 है तो कितना होगा, 10% वृद्धि करेंगे तो 11/10, 5 रुपया कमाता है तो ये कितना हो जाएगा, 6/5। देखिए ये हो जाएगा आपका 10, इसको 10 कर लीजिए, मतलब 2 से यहाँ भी मल्टीप्लाई, मतलब सभी 10 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 23:33 कितना होगा, 12×5=60, मतलब ऑप्शन नंबर 4 में दिया है, ऑप्शन नंबर 4 गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे, ट्रेंगल एबीसी और ट्रेंगल डीईएफ में AB अनुपात DE है, BC अनुपात FD है, तो समरूप होंगे। देखिए ट्रेंगल, देखिए ABC समरूप किसके होंगे, देखिए AB का अनुपात किसका है, DE का। देखिए DE या फिर ED दोनों क्या होगा, AB मतलब साथ में होंगे। फिर आगे देखिएगा BC और FD, देखिए BC और FD क्या होगा, साथ में होगा। तो देखिए आप यहाँ पे इसको मैं से लिख दीजिए, पहले एक काम कीजिए ED लिखिए। तो देखिए AB का अनुपात ED हो गया, और देखिए BC का अनुपात कितना हो जाएगा, तो BC है तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर FD है तो DF। देखिए मतलब ट्रेंगल ABC और ट्रेंगल EDF क्या होगा, दोनों समरूप होंगे, सिमिलर ट्रेंगल, क्योंकि देखिए कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल दिया है, मतलब AB का वैल्यू, AB का रेशियो ED दिया है, मतलब या फिर बोले हमको इसको D दिया हुआ है, और BC का रेशियो किसके दिया हुआ है, तो DF का। ठीक है, इस तरह से लास्ट के दो साइड और लास्ट के इसके भी दो साइड दोनों क्या है, सेम पोजीशन पे है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, एंगल ए किसके इक्वल होगा, एंगल ई के इक्वल होगा, एंगल बी एंगल किसके इक्वल होगा, एंगल डी के, मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ए के बी सेकंड पोजीशन वाले, सेकंड पोजीशन वाले इक्वल होगी, और थर्ड वाले, थर्ड में क्या है, सी किसके इक्वल होंगे, तो लास्ट के ऑप्शन एफ के। ठीक है, इस तरह देख लीजिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, तो ऑप्शन बी इज इक्वल टू डी दिया है, ऑप्शन नंबर 2 आपके सही होंगे, समझ गए होंगे। इस तरह से बिना ट्रेंगल को, सॉरी बिना ट्रेंगल को ड्रॉ किए हुए भी इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए, 8 पुरुष द्वारा किसी कार्य को 10 दिन में किया जाता है, मतलब 8 मेन किसी काम को 10 दिन में करता है, 10 महिलाएं 10 वोमेन्स उसी काम को 12 दिन में करता है। तो यहाँ से पुरुष और महिलाएं के बीच का रिलेशन आ जाएगा, देखिए 4 काटे 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, मतलब 2 पुरुष इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 वोमेन, ये आपका यहाँ से रिलेशन आ गया। अब कहा यदि उसी कार्य को 4 पुरुष और 4 महिलाएं को लगाया जाए तो कितने दिन में कार्य पूरे होंगे। देखिए 4 पुरुष को महिलाएं में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब 4 पुरुष को हम क्या लिखेंगे, 2 पुरुष इज इक्वल टू 3 महिलाएं, तो 4 पुरुष इज इक्वल टू कितना होगा, 6 महिलाएं, 6 महिलाएं प्लस 4 महिलाएं कितना हो जाएगा, 10 महिलाएं, 10 महिलाएं मिलकर के काम को कितने दिन में कर लेंगे। देखिए 10 महिलाएं मिलकर के काम को 12 दिन में, सवाल में ही दिया हुआ है, 10 महिलाएं मिलकर के काम को 12 दिन में पूरे कर लेंगे, ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17, बाह्य रूप से एक दूसरे को स्पर्श करने वाली 2 वृत्त खींच जा सकने, मतलब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है बाहरी रूप से 2 वृत्त, मतलब ये बाहरी रूप से एक दूसरे को स्पर्श करता है, तो दोनों वृत्त पे उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींच जाने की कितनी संख्या हो सकती है, उभयनिष्ठ रेखा कितनी खींच जा सकती है। देखिए एक तो नीचे ऊपर हो गया, दोनों क्या है, दोनों कॉमन टेंजेंट, ये तो 2 हो गया, लेकिन एक बीच से भी हम लोग कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो मैक्सिमम कितना हो सकता है, 3। बताइए कॉमन टेंजेंट क्या होगा, सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करेगा, वही क्या होता है, उसका टेंजेंट होता है। दोनों का, दोनों में इक्वल, मतलब दोनों में कॉमन होना चाहिए, तो ये भी क्या है कॉमन, ये भी कॉमन है, और ये भी क्या है कॉमन, मतलब 3 ड्रॉ किए जा सकते हैं, 3 कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर, जब जब क्या होगा, सर्कल एक दूसरे को बाहरी टच करता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, ये सभी नंबर दिया हुआ है, इसमें से कहे कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है, 11 से विभाजित कर, पता है आपको सम जो है क्या है, कि इवन प्लस का सम और ऑड प्लस का सम का डिफरेंस या तो 0 हो या फिर 11 हो, तो देख लीजिए सभी ऑप्शन को चेक करके, मतलब 9 + 9 कितना हो जाएगा, 18, 4, 22 + 0 मतलब 22, ये हो गया इवन, सॉरी ऑड प्लस का सम, और क्या है इवन प्लस का सम का निकालिए, देखिए 5 + 2 = 7 + 5 = 12, डिफरेंस कितने आ गया, 10, मतलब ये क्या है 11 से विभाजित नहीं नहीं है। इस तरह देखिए ऑप्शन नंबर 2 में 9 + 9 कितना हो जाएगा, 18, 18 + 3, 18 + 3 21 + 0 21 हो जाएगा, माइनस 5 + 2 = 7 = 10, मतलब ये कितना हो जाएगा 11, मतलब 11 है, मतलब ये संख्या 11 से विभाजित है। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए, सुशांत 6 मिनट में 12 पेज टाइप कर सकती है, मतलब सुशांत को मान लेते हैं एक्स, तो एक क्षमता कितनी हो जाएगी, 1 मिनट में कितना पेज टाइप करेगा, तो 2 पेज, 1 मिनट में 2 पेज क्या है सुशांत टाइप करता है, मतलब सुशांत की क्षमता कितनी हो जाएगा, 2 पेज प्रति मिनट। इसी तरह से देखिए मैरी है, मैरी को मान लेते हैं एम, एम जो है मैरी जो है 12 मिनट में 6 पेज टाइप करती है, मतलब 1 मिनट में कितना पेज टाइप करेगी, 1/2, 1/2 पेज टाइप कर सकती है मैरी, समझ गए होंगे, ये इसकी क्षमता हो गई। अब है एक साथ काम करते हुए 32 मिनट में कितने पेज टाइप करेगी, देखिए एक साथ अगर काम करता है तो दोनों का क्षमता कितना हो जाएगा, 2 + 1/2 मतलब 5/2, मतलब एक ऐसे बोल सकते हैं 1 मिनट में 5/2 पेज टाइप कर सकती है, तो 32 मिनट में कितने पेज टाइप होंगे, तो काट लीजिए 16 × 5 = 80, मतलब क्या हो जाएगा 80 पेज 32 मिनट में दोनों मिलकर के टाइप कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे,
टू कॉट एक्स का वैल्यू 5 दिया हुआ है, निकालना है आपको टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बटे टू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। देखिए यहाँ से कॉट एक्स दिया हुआ है, जहाँ साइन कॉस का वैल्यू निकाल लीजिए, या फिर देखिए इसको आप साइन कॉस कॉट में सबको कन्वर्ट कर दीजिए। देखिए सबको क्या है, आप साइन से डिवाइड कीजिए, ऊपर में आप साइन से डिवाइड कीजिएगा तो देखिए कितना हो जाएगा, ऊपर में साइन से डिवाइड के नीचे भी साइन से डिवाइड करना पड़ेगा, साइन से डिवाइड के कितना होगा टू कॉस एक्स बटे साइन एक्स, कितना हो जाएगा कॉट एक्स साइन को कॉस से डिवाइड करेंगे, सॉरी साइन को साइन से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 1, नीचे में वही होगा टू कॉट एक्स प्लस 1। अब देखिए कॉट एक्स का वैल्यू हमें दिया हुआ है 5 माइनस 1, 5 प्लस 1 6, मतलब 3 बट्टे सॉरी 4 बट्टे 6, मतलब 2 बट्टे 3 आपका करेक्ट आंसर होगा। 21 नंबर को देखेंगे, एक गीजर का अंकित मूल्य 9400 रुपया है और दुकानदार इस पर 4% की छूट देता है, तो गीजर का विक्रय मूल्य कितना होगा इसका, या तो 96% डायरेक्ट निकाल लीजिए, फिर 4% निकाल कर उसको माइनस कर दीजिए। देखिए 4% कैसे निकालेंगे, तो कितना होगा 94 × 4 कर लीजिए, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 94 × 4 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 400, 400 माइनस कितना माइनस कर लीजिए आप 400 − 24 माइनस कर लीजिए कितना होगा 376, 376 रुपया क्या होगा डिस्काउंट मिलेगा। तो कितना में बेचेगा 9400 में से 376 आप माइनस कीजिए कितना हो जाएगा 9400 में से पहले 300 माइनस कीजिए कितना हो जाएगा 9100, 9100 में से फिर 76 माइनस कीजिए कितना हो जाएगा नहीं सॉरी 9100 में से 76 माइनस कीजिए कितना हो जाएगा 9024, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, बी 150 रुपया में, बी जो है 150 रुपया में 8 पेन के प्रति के हिसाब से क्या है 10 8 पेज प्रति पेन के हिसाब से 10 पेन खरीदता है, मतलब 80 रुपया इसमें चला गया, 5 रुपीज प्रति रबर के हिसाब से 10 रबर खरीदता है, मतलब 50 रुपया इसमें चला गया, और 4 रुपया प्रति कटर के हिसाब से के मूल्य से कुछ कटर खरीदता है, मान लेते हैं एक्स रुपया का, मतलब एक्स कटर खरीदता है तो कितना हो जाएगा 4x। तो प्रत्येक का औसत मूल्य निकालना है, हम निकाल लेते हैं पहले कितना कटर खरीदा गया है, कितना हो जाएगा 130, 150 हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा कितना होगा 20 = 4x, कटर की संख्या कितनी हो जाएगी एक्स के वैल्यू कितना जाएगा 5, मतलब कटर जो है 5 कटर खरीदा गया, क्या प्रत्येक वस्तु का औसत मूल्य कितना होगा। अब देखिए कुल वस्तु कितना हो जाएगा, देखिए 10 पेन 10 रबर कितना हो गया 20 और 5 कटर कितना होगा 25, कुल मिलाकर खर्चा कितना हुआ 150, 25 सामान खरीदा गया है तो 25 का कितना हो जाएगा देश, प्रत्येक वस्तु का औसत मूल्य कितना हो जाएगा 6 रुपया। क्वेश्चन नंबर 23, 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 60 डिग्री केंद्रीय कोण वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, त्रिज्यखंड क्षेत्रफल कितना होता है 22/7 पाई आर स्क्वायर, मतलब 7 × 7 θ × 360 है ना 60/360, ये जाएगा 6 टाइम में कट जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा तो आपको कितना हो जाएगा 154, एक से एक बार काट लीजिए इसको 3, ये कितना 1177/3, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए, धारा की दिशा में नाव की चाल स्थिर जल में नाव की चाल का 125% है, तो धारा की दिशा में नाव की चाल कितना, अगर मान लेते हैं शांत जल में नाव की चाल एक्स है और धारा की चाल वाई है, तो धारा की दिशा में चाल कितना हो जाएगा एक्स प्लस वाई, अब जो है स्थिर जल में नाव के चाल, स्थिर जल में नाव का चाल हम कितना लिए हैं एक्स, इसका क्या है 125%, मतलब 5/4 है, तो यहाँ से क्या जाएगा आपका ये वाई का वैल्यू कितना जाएगा एक्स बट्टे 4, या फिर हम इसे बोल सकते हैं एक्स का वैल्यू कितना जाएगा 4y, मतलब शांत जल में नाव की चाल एक्स है और वाई क्या है धारा की चाल है। अब कहा गया यदि स्थिर जल में नाव को 20 किलोमीटर की दूरी तय करने में 30 मिनट का समय लगता है, तो स्थिर जल में नाव की चाल स्पीड कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू कितना है तो 20/30, मतलब आधा घंटा बोल सकते हैं इसको, आधा घंटा मतलब कितना हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा ये 40 किलोमीटर प्रति आवर है, शांत जल में नाव की चाल ठीक है 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, मतलब धारा का स्पीड कितना हो जाएगा उसका 1/4, मतलब 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब तो बताइए कि उसे धारा के विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, 15 किलोमीटर की दूरी तय करने में समय बराबर क्या हो जाएगा दूरी बटे स्पीड, स्पीड कितना होगा धारा के विपरीत दिशा में, तो दोनों को हम माइनस करना पड़ेगा, कितना होगा 40 − 10 कितना हो जाएगा 30, मतलब 1/2 घंटे में क्या होगा धारा के विपरीत दूरी तय करने में 15 किलोमीटर को लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 और लास्ट सवाल है, निम्नलिखित पाई चार्ट को अध्ययन करना है और दिए गए पाई चार्ट में न्यूनतम कोण, न्यूनतम कोण कौन है, देखिए सबसे परसेंटेज का सबसे कम है तो 10% का सबसे कम है, मतलब इसी का जो सबसे न्यूनतम कोण बनेगा 10% पे ही बनेगा, इसका वैल्यू आपको निकालना है। आपको पता है 100% में कितना एंगल बनता है, पूरे ट्रायंगल पर 360 डिग्री बनता है, 10% में कितना बनेगा तो 36 डिग्री, ये तो आपको बिना पेन पेपर को यूज किए हुए मतलब 0.5 सेकेंड में आप इसको सोल्व कर सकते हैं, मतलब जितना टाइम मार्क्स के लिए करने में लगेगा उतना ही समय में इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने में लगना चाहिए। इस तरह से आपके 25 के 25 सवाल हम अच्छे तरीके से आपको समझा करके सॉल्व करवाने की कोशिश किए हैं, उम्मीद करते हैं आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आया होगा, अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दे और इस तरह के वीडियो के लिए चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर ले और प्यारा सा एक कॉमेंट भी कर दे। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।